खबर भिंड जिले के लहार से है, जहां पुलिस अधीक्षक असित यादव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत की गई कार्रवाई में लहार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि बेटे 28 और 29 फरवरी को लहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरगत वार्ड नंबर 9 कस्बा लहार से दो नाबालिग लड़कियां एवं एक नाबालिग लड़का परिजनों को बिना बताए कहीं चले गए थे। बच्चों के नाबालिग होने से थाना लहार में मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं मामले की गंभीर को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा लहार थाना प्रभारी को बालक बालिकाओं की खोजबीन करने के लिए निर्देशित किया गया। निर्देश मिलते ही थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा एक टीम गठित कर लापता नाबालिग बालक और बालिकाओं की खोजबीन करने दिल्ली गुड़गांव रवाना किया गया और पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत से तीनों बालक और बालिकाओं को दिल्ली गुड़गांव से दस्तयाब किया गया। लहार से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। हाँ, लहार में 28 फरवरी को एक रिपोर्ट आई थी कि एक नाबालिग लड़का गुम हो गया है तथा अगले दिन 29 फरवरी को एक रिपोर्ट आई कि दो नाबालिग लड़कियां चली गई हैं। तीनों ही मामलों में 363 भादावी के तहत कायमी की गई थी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाया कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में उनका संपर्क है। उसके बाद एक टीम डॉक्टर असित यादव जी सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव पाठक जी के निर्देशन में एक टीम लगातार हमारी इस पर वर्कआउट कर रही थी। तकनीकी की मदद से हमने गुड़गांव हरियाणा से आज दोनों नाबालिग लड़कियों को तथा नाबालिग लड़के को दस्तयाब किया है। आगे इसमें अब उनके बयान होने हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। महिला अधिकारी द्वारा उनके दोनों बालिकाओं के बयान आएंगे, जिस हिसाब से उनके कथन होते हैं उस हिसाब से आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।